नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपी नाइन न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज की बड़ी खबर में। और बड़ी खबर की शुरुआत इस वक्त हम कर रहे हैं, जी हां, एक ऐसी खबर से जो खबर उत्तर प्रदेश में कई मायनों में बहुत अलग है। खबर है कि राजा भैया क्या अब बड़ी तैयारी कर रहे हैं अखिलेश यादव के साथ गठबंधन को लेकर। जी हाँ, दरअसल अपने दर्शकों को बता दें, उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव को लेकर एक और जहां समाजवादी पार्टी इस वक्त एक्टिव दिखती नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष ने भी हर मोर्चे पर संभाल रखा है, क्योंकि बीजेपी इस बात को समझती है कि यूपी उपचुनाव में झटका लगने के बाद विपक्ष मजबूत हुआ है और इतनी आसानी से विपक्ष के हाथ में बाजी नहीं जाने दी जाएगी। यही वजह है कि खबर निकलकर सामने आती है कि यूपी निकाय चुनाव को मार्च और अप्रैल की तरफ रखा जा रहा है। लेकिन संकेत मायावती और राजा भैया को लेकर आखिरकार क्या है, आज इस पर बात कर रहे हैं। दरअसल अपने दर्शकों को ये बता दें कि मौजूदा समय की तस्वीर ये जाहिर तौर पर इशारा कर रही है, राजा भैया और मायावती का एक बड़ा रिश्ता अखिलेश यादव के साथ जुड़ता नजर आ रहा है। अखिलेश यादव इस बात को समझ रहे हैं कि पूरे विपक्ष को एक साथ लेकर चलना ज़रूरी है, तो क्या आने वाले लोकसभा सीटों को लेकर भी एक बड़ा गठबंधन होता नजर आएगा। वैसे अपने दर्शकों को ये ज़रूर बता दें कि समाजवादी पार्टी का पहले के मुकाबले अब वोट बैंक ज़्यादा बढ़ा है, क्योंकि मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद से ये कहा जा रहा था कि पार्टी का वोट बैंक टूटेगा, पार्टी का वोट बैंक अलग होगा, लेकिन अखिलेश यादव ने वक्त रहते जनता को अपनी तरफ किया और जनता का भी झुकाव समाजवादी पार्टी की तरफ रहा, जो कि मैनपुरी जीता जागता उदाहरण है। मैनपुरी की विरासत को बचाने के लिए अखिलेश यादव ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया और हुआ भी वही। जैसे कहा जा रहा था समाजवादी पार्टी की ओर से कि ये सीट नेताजी की, और नेताजी की सीट नेताजी के पास आई, यानी समाजवादी पार्टी के पास आई और बीजेपी को झटका लगा। लेकिन अब जिस तरीके की तैयारियां विपक्ष कर रहा है उसे देखकर बीजेपी को इस बात का डर है कि अगर थोड़ी और ढिलाई बरती गई तो विपक्ष हावी हो जाएगा और प्रदेश में सरकार रहते हुए भी बीजेपी को बड़ा झटका लगेगा। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले जा दीजिए, नमस्कार।